बिल्कुल, हम तो क्योंकि हमारा काम तो कानून के दायरे में होता है, तो पुलिस बिल्कुल फ्री होके काम कर रही है। सर, पूरे प्रदेश के लिए कोई नई रणनीति आपने बनाई अपराधों को रोकने के लिए या पुराने अपराधियों को पकड़ने के लिए? रणनीति लगातार बनती है, रणनीति लगातार बदलती रहती है, तो ऐसे में कोई स्पेसिफिक मैं बताना मेरे लिए संभव नहीं है। जिस सेक्टर का क्राइम बढ़ता है उसके लिए रणनीति उस वक्त बनाई जाती है, जिस प्रकार का क्राइम बढ़ता है उस प्रकार के क्राइम के लिए नई रणनीति बनती है। सर, जिस तरह से चंबल अंचल में, चंबल अंचल में डकैत पूरी तरह से लगभग लगभग खत्म हो गए हैं, लेकिन उसका अभी तक जो धारा है वो अभी भी प्रभावी है और उसको लेकर कभी कई बार लोगों के साथ उसका मिसयूज हो जाता है, तो उसको लेकर कुछ आप मिसयूज की अगर कोई घटना होती है तो उसका पूरा निर्धारित प्रक्रिया है विभाग की भी और सरकार की तरफ से भी, उसको पूरा समीक्षा करके उस पर कार्रवाई करके उसको ठीक करते हैं। वो डकैती उन्मूलन जो पुरानी अपनी डकैती की समस्या थी वो अब लगभग नहीं के बराबर है, ये बात सही है, लेकिन अभी भी कुछ कहीं कहीं छोटे मोटे छोटा सा आपराधिक गतिविधि इस टाइप की होती है, जिसकी वजह से ये एक्ट अभी चलते रहना जरूरी है। सर, पुलिस लगातार सोशल डेवलपमेंट में भी काम करती है, अभी कोई आज ऐसा विषय सामने आया है, आपने कोई ऐसे निर्देश दिए कि आगे किस विषय पे ज्यादा काम करने की जरूरत है, चाहे जागरूकता का हो या जागरूकता का जो एस्पेक्ट है और सोशल वाला, जो सोशल इंजीनियरिंग के, सोशल इंजीनियरिंग तो नहीं कहूँगा, सोशल डेवलपमेंट के साथ जो पुलिस का काम होता है वो इस वक्त सबसे ज्यादा महिलाओं के विरुद्ध अपराध जो हो रहे हैं उनके ऊपर है, क्योंकि इसमें कई विभागों का एक साथ काम होता है, पुलिस अकेले काम नहीं करती है, इसमें महिला बाल विकास विभाग का भी रोल होता है और दूसरे और जो विभाग हैं जो इसमें एक साथ मिलके जागरूकता अभियान चलाते हैं और पुलिस की तरफ से एक्शन जो हो वो सही हो और परिवार की काउंसलिंग हो सके, उन सब की तैयारी हम लोग करते हैं। सर, विश्व में दिल्ली सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे युक्त हो चुका है नंबर वन पे, तो मध्य प्रदेश में भी क्या सीसीटीवी कैमरे ज्यादा लगाए जाएंगे अपराधी? मध्य प्रदेश में सीसीटीवी कैमरे लगातार बढ़ाए जाने का काम चल रहा है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी इसमें आ चुके हैं जो सभी थानों को अच्छे से कवर करना है। कुछ बैन भी चलाई गई थी सीसीटीवी, वो नहीं दिखाई दे रही है? वो बैन जो है उसका प्रोजेक्ट अभी और हम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कम थी वो, एक एक कहीं कहीं लगाई गई थी एक्सपेरिमेंट के तौर पे, अब उसको भी बढ़ाया जाएगा। और पहला काम, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से पहले सभी थानों को सीसीटीवी से पूरी तरह से लैस करना है, और शहर में जो सीसीटीवी लगने हैं वो अलग हैं, वो स्मार्ट सिटी में लगते हैं, कुछ पुलिस के लगते हैं, उनका भी रिनोवेशन का काम अब चल रहा है। सर, आप संतुष्ट नजर आए आज की बैठक के, मतलब जो जिले थे जहाँ की मतलब क्या लेके जाए आपके पास, संतुष्ट नजर आए आप पूरी तरह से, या कुछ लगा आपको कि नहीं अभी जरूरत है और कुछ करना है? मैं एक चीज आपको बता दूं, पुलिस का काम हमारा ऐसा है कि हम कभी संतुष्ट होकर बैठ जाएंगे तो गर्व